तारीखों का ऐलान कर दिया गया है और इन 10 सीटों में अयोध्या की मिल्कीपुर सीट शामिल नहीं है। क्या है वजह, देखिए हमारी खास। निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर उपचुनाव का शेड्यूल जारी कर दिया है। हालांकि अयोध्या की मिल्कीपुर सीट जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा थी, वहां अभी उपचुनाव नहीं होगा। मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव नहीं कराने के पीछे एक याचिका है जो हाई कोर्ट में दायर की गई है। हाई कोर्ट में मुकदमा लंबित होने के चलते टला चुनाव। पूर्व विधायक गोरखनाथ बाबा ने दाखिल की थी रिट। 22 के चुनाव को लेकर हाई कोर्ट में की है रिट। अवधेश प्रसाद के चुनाव जीते पर दायर की गई थी रिट। गलत तथ्यों के माध्यम से अवधेश प्रसाद जी द्वारा एफिडेविट फाइल किया गया इलेक्शन कमीशन के पास, जब वो अपना नॉमिनेशन फाइल कर रहे थे, और नोटरी उस ऐसे व्यक्ति द्वारा कराई गई जिसके पास नोटरी करने के अधिकार ही नहीं थे। इसी आधार पर हमने इलेक्शन पिटीशन फाइल की थी, जिसमें माननीय न्यायालय ने नोटिस जारी करते हुए उनसे जवाब मांगा था, और माननीय न्यायालय में इस पर याचिका चल रही है, इस पर जांच, इस पर सुनवाई चल रही है। हालांकि मिल्कीपुर के पूर्व विधायक बाबा गोरखनाथ के वकील ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में दायर याचिका को वापस लेने का फैसला किया है। वही पूर्व विधायक के वकील ने कहा है कि एक दो दिन में याचिका वापस लेंगे, जिससे चुनाव कराने का रास्ता साफ हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने मिल्कीपुर विधानसभा में चुनाव नहीं अभी घोषित किया है, हालांकि हम लोग अब इसको विड्रॉ करेंगे, पिटीशन एक दो दिन में विड्रॉ कर लेंगे, जिससे कि अगर कोई कानूनी अड़चन यहां के इलेक्शन में आ रही है तो वो ना आए, क्योंकि ऑलरेडी ये इंफ्रास्ट्रक्चर हो चुकी है पिटीशन, क्योंकि अवधेश प्रसाद जी कहीं और से सांसद चुन लिए गए हैं और वो सीट ऑलरेडी खाली है। मिल्कीपुर सीट पर ऐलान न होने के कारण भाजपा और सपा के बीच सियासी उठापटक होना तय है। हालांकि अगर बाबा की तरफ से दाखिल याचिका को वापस ले लिया जाता है तो मिल्कीपुर उपचुनाव और भी दिलचस्प हो जाएगा। स्पेशल डेस्क, भारत समाचार। चलिए आगे बढ़ते हैं।